दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों अगर आप कम लागत में कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप बीयूपीपी टेप यानी सेलो टेप का बिजनेस कर सकते हैं। सेलो टेप की डिमांड पर नजर डाली जाए तो इसकी मांग बाजार में काफी अच्छी खासी है। सेलो टेप एक ऐसी वस्तु है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर, दुकान और ऑफिस में किया जाता है, इसलिए अगर सेलो टेप बनाने का बिजनेस कोई खोलता है तो उसे इसमें अच्छा खासा फायदा हो सकता है। सेलो टेप का उपयोग हर इंडस्ट्री में किया जाता है, चाहे वो प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री हो या फिर फार्मा, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो या फिर कुरियर सर्विसेज, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हर इंडस्ट्री के द्वारा इन टेप का यूज किया जाता है के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए। इसके साथ ही साथ सेलो टेप का यूज गिफ्ट के सामान को पैक करने, फूलों के गुलदस्ते को चिपकाने, शादी विवाह और जन्मदिन पे भी किया जाता है। आपको दूल्हे की गाड़ी सजानी हो या दुल्हन के लिए मंडप या फिर अलग अलग जगह झालर लगाने, ये सारे काम आप सेलो टेप के बिना नहीं कर सकते। इसके अलावा बिजली के तारों पे भी इसका उपयोग काफी मात्रा में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हम कैसे अपना सेलो टेप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स और मशीन की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल्स और मशीन कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे सेलो टेप को तैयार कर सकते हैं और टोटल कितनी लागत आएगी, तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। इस बिजनेस की शुरुआत अपने घर से या किराए पर छोटे से कमरे के साथ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना होगा जिसके जरिए आप मशीन को ऑपरेट कर सके। वैसे आप चाहें तो इन मशीन को घर की बिजली पे भी चला सकते हैं, और साथ ही साथ इस बिजनेस के लिए 2 से 3 लोगों की भी जरूरत होगी जिनके जरिए आप बीओपीपी टेप को तैयार कर मार्केट में बेच पाए। दोस्तों अगर बीओपीपी टेप इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री काफी बड़ी है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। और इसका मेन जो रॉ मटेरियल्स होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट बीओपीपी। आप ये मटेरियल्स अलग अलग टाइप में खरीद सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, ब्राउन, रेड इत्यादि। ये बीओपीपी का रोल्स अलग अलग साइज में आपको बाजार में मिल जाएंगे, जैसे 26 इंच, 34 इंच, 45 इंच इत्यादि। दोस्तों हम ये रॉ मटेरियल्स केजी के हिसाब से खरीद सकते हैं और हमें बेचना मीटर के हिसाब से होता है। और नॉर्मली बाजार में बिकने वाली एक बीओपीपी के टेप में 50 से 65 मीटर के आसपास टेप होता है, और वहीं बाजार में जो टेप बिकती है वो 10 या 12 माइक्रोन की होती है, यानी हमें ज्यादा जीएसएम वाले बीओपीपी टेप खरीदने की भी जरूरत नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि थिकनेस जितनी ज्यादा होगी टेप की, उसका प्राइस भी उतना ही ज्यादा होगा। और दोस्तों हमें इस बिजनेस को शुरू करने के लिए केवल 2 मशीन की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों इस बिजनेस के लिए आपको जो मशीन लेनी होगी वो है कोर कटिंग मशीन और दूसरी मिनी बीओपीपी टेप कटिंग मशीन। इन दोनों मशीन की सहायता से आप बीओपीपी टेप की जंबो रोल से छोटे छोटे रोल बना मार्केट में सेल कर सकते हैं। दोस्तों कोर कटिंग मशीन के जरिए हम पेपर कोर के बड़े साइज को अपने टेप के साइज में काट लेते हैं, जैसे 1 इंच, 2 इंच या फिर 3 इंच। हमें बस इस मशीन के साथ में पेपर कोर को लगा देना होता है और साइज सेट कर देना होता है, और मशीन में कटर लगे होते हैं जिनके जरिए ये मशीन पेपर कोर के बड़े साइज से छोटे छोटे कोर काट देती है। वहीं दोस्तों मिनी बीओपीपी टेप कटिंग मशीन के द्वारा पहले काटे हुए कोर को मशीन के साथ में लगा देना होता है और उसके दूसरे छोर पे बीओपीपी टेप के जम्बे रोल को लगा दें, फिर ये मशीन आपके साइज में बीओपीपी टेप को तैयार कर देती है। इस मशीन में बने पैनल में आप मीटर भी सेट कर सकते हैं कि हमें कितने मीटर का टेप तैयार करना है, और मीटर पूरा होते ही मशीन रुक जाती है और आप तैयार टेप निकाल दोबारा से कोर सेट कर सकते हैं। दोस्तों इस मशीन को आप बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों मशीन के अलावा आपको अपने बिजनेस के लिए पेपर कोर और कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स की भी जरूरत होगी, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों हमें इस बिजनेस में नॉर्मली 20-25% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, इसलिए हमारी सेल जितनी ज्यादा होगी हमारा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।